हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2020। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2020 में पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन टू सीएल गैस मेकिंग सीएल टू गैस द करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि जब हमारे दो सीएल मॉलिक्यूल मिलके हमारा एक सीएल टू मॉलिक्यूल बना रहा है, तो हमारे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा, यानी एंथैल्पी चेंज क्या होगा, एंड हमारा एंट्रोपी चेंज पूछा। डेल्टा एस हमसे हमारा एंट्रोपी चेंज के बारे में पूछा है। जब दो सीएल एटम मिलके हमारा सीएल टू मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी कि दो सीएल प्लस सीएल बनके हमारा सीएल टू मॉलिक्यूल बना रहा है, एक सीएल टू मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इस केस में हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें ये चीज पता है कि हमारी एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज ऑलवेज। तो हमारा जो डेल्टा एच है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, दैट इज डेल्टा एच विल बी लेस देन जीरो। नेक्स्ट हमसे पूछा एंट्रोपी चेंज। यहाँ पे दो मोल से हमारा एक मोल मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी कि जो हमारी एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। सो हमारा एंट्रोपी चेंज जो होगा, जो हमारा एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस होगा वो नेगेटिव होगा, दैट इज डेल्टा एस विल बी लेस देन जीरो। यानी कि फॉर दिस रिएक्शन, हमारा डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही नेगेटिव होंगे और लेस देन जीरो होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, which is the required answer for this question. Thanks for watching our channel. Please like, share and subscribe the channel.